तो अब तुम लोग शुरू कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे खाना पकाने के लिए ना सिर्फ 1 घंटे का समय मिलेगा। और याद है ना साई ने क्या कहा था, जो जीतेगा उसे वो 1 इनाम देगा। सबसे पहले सब्जी बनाते हैं। गोविंदा, ये क्या कर रहे हो? साई, यहाँ पानी बह रहा है जिसके चलते चींटियों को बड़ा चक्कर लगाना पड़ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पानी के ऊपर लकड़ियाँ रख दी ताकि वो सीधा जा सके। ये देखिए साई, कितने आराम से जा रही है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया और इसके लिए तुम्हें उपहार मिलना चाहिए। ये लो जलेबी। शुक्रिया साई। खा लो। आप लोगे? शुक्रिया। लगता है तापी ताई ने स्वादिष्ट भोजन बनाया है। मुझे जीतने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि प्रतियोगिता ज्यादा मात्रा में भोजन बनाने की नहीं है।
कहाँ ध्यान रहता है आपका? आप सारा सामान फैला के रखती हैं, तो गड़बड़ होगी ना। चूल्हे में मिर्च गिरी हुई थी और अभी भी आसपास चूल्हे की मिर्च है, देखिए। लेकिन मैंने तो मिर्च। तापी, रेणुका, समय पूरा हो गया है तुम लोगों का, चलो खाना परोसो सबके लिए। ये क्या रेणुका, ना दाल ना चावल, और भी इतना कम खाना। अच्छा हुआ कि मैंने ज्यादा बनाया है, नहीं तो तुम्हारे भरोसे रहते ना तो सब लोग भूखे ही रह जाते। खाइए ना। खाना स्वादिष्ट है। कैसे कर लेते हो? हाँ रेणुका, खाना बहुत अच्छा बना है। मेरा भी खाना चखिए ना। क्या हुआ इतना नमक? मसाला भी ज्यादा है और मसाला भुना हुआ भी नहीं है। तापी, ऐसा खाना कोई कैसे खा पाएगा? ऊपर से इतना सारा बनाया है, सब बेकार जाएगा। बाबा दाल खाइए ना। इसमें भी नमक तेज है। ठप्पी, इसे खाना नहीं कहते, खाने की बर्बादी कहते हैं। देखो भले रेणुका ने खाना कम बनाया है, लेकिन खाना कम से वो खाने लग तो है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खाना बनने के बाद चखा था, तब तो सब ठीक था। तापी ताई हड़बड़ी में होगी, इसलिए उनका ध्यान नहीं रहा होगा। खाना अच्छा बनाने के चक्कर में सब चीजें दो दो बार डाल दी होंगी। अब ध्यान नहीं रहेगा तो ऐसा ही होगा ना। भले ही मैंने कम खाना बनाया हो, पर लोग भूखे नहीं रहेंगे। कारण कुछ भी हो, लेकिन इस काम में तो रेणुका जीती।
लेकिन मैं लाल मिर्च खरीद के लाई नहीं थी, तो फिर मेरे चूल्हे के पास मिर्च कैसे गिरी? तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सब्जियां लाने में तापी जीती और खाना बनाने में रेणुका। तो पुरस्कार किसको मिलेगा? वैसे मुझे लगता है मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा प्रदर्शन मेरा ही रहा है। ऐसे कैसे तुम्हारे हिसाब से तुम्हें मिलना चाहिए? हम दोनों बराबरी पे हैं, और ऐसे देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं ही जीती थी ना। साई तुम ही बताओ कौन जीता है? मेरे हिसाब से दोनों में ही कुछ कमजोरियां और कुछ मजबूत पक्ष देखने को मिले हमें। दोनों ने ही अधिकतर कामों को सही तरीके से किया, पर एक एक गलती दोनों ने की है। तो मेरे हिसाब से इन लोगों को कुछ दिनों का समय और दिया जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि ये अपनी की हुई गलती में कितना सुधार कर सकते हैं, खुद में कितना बदलाव ला सकते हैं, और उसके बाद ही ये फैसला किया जाना चाहिए कि कौन जीता और कौन हारा। साई के ऐसा कहने के पीछे क्या कारण हो सकता है? मतलब ये कि आज से घर के सभी सदस्यों के लिए खाना आप पकाएंगी, क्योंकि आप खाना बनाने के काम में हार गई हैं, और आप घर से बाहर के सभी कामों को करेंगी, क्योंकि आप घर से बाहर जाकर खरीदारी करने के काम में हार गई थी। इसका मतलब हम अपना घूमना फिरना चालू रख सकते हैं। लेकिन साई, मैंने बाहर का काम बेहतर किया और उसने खाना पकाने का काम बेहतर किया, तो जो जिस काम में अच्छा है उसे वो काम मिलना चाहिए ना, फिर ये उल्टा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हर इंसान को अपनी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, अपने कमजोर पक्ष को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए ये आप दोनों का इम्तिहान है। आपको बिना किसी गड़बड़ी के साफ सफाई से रसोई में खाना बनाना सीखना है, और आपको घर के बाहर के काम जल्दी से जल्दी निपटाना सीखना है। समय का मूल्य सीखना है, ताकि घर के कामों में कोई रुकावट ना आए। वहिनी, आप पाटिल जी के रिश्तेदार हैं। हाँ। तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, जितनी चाहे सब्जियां ले जाइए, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? मैं देखती हूँ। अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि मैं शाम को पैसे दे दूंगी, तो मैंने सोचा कि आप लोग पाटिल जी के मेहमान हैं, तो फिर मैं मेहमानों को क्यों कष्ट दूं, इसलिए मैं पैसे लेने खुद ही आ गया। हाँ, ये लो अपने पैसे, अब जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा। अच्छा, तो इस तरह आप लोगों ने पहला काम जीता बेमानी करके। मैं अभी साई को बताती हूं, मैं भी बता दूंगी। कि मेरे बनाए हुए खाने में
अतिरिक्त नमक मिर्च डालने वाली तुम ही थी। फिर साफ हो जाएगा कि खाना बनाने में भी मैं ही जीती। जानती हो, खाना बनाने के बाद ना मैंने सारे व्यंजनों को चखा था, सब ठीक था। मुझे पता है खाना तुमने ही बर्बाद किया है। आपके पास कोई सबूत है? डरिए मत, मैं साई को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वैसे भी जो काम मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। तो मैं अपनी जी जान लगा दूंगी और प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जीतती हो। वो पुरस्कार मेरा है। कहाँ फंस गई मैं? हाँ तो छोड़ दो ना प्रतियोगिता, वो बैरागी क्या सोचता है इससे क्या फर्क पड़ता है हमें? फर्क पड़ता है, मैं जो ये सब कर रही हूँ ना, रेणुका को हरा के उपहार पाने के लिए कर रही हूँ। उपहार? मैंने उस फकीर को खुद का पेट भरने के लिए भीख मांगते देखा है, वो क्या उपहार देगा किसी को? वो अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं, और मामी ने मुझे सब बता दिया है कि उन्होंने क्या क्या किया है। क्या किया? अरे गांव की औरतें कह रही थी कि पंडरी नाम का एक गरीब किसान है, उसको साई ने 3 सोने के सिक्के दिए। 3 सोने के सिक्के? हाँ, और यही नहीं, कनपतराव नाम का एक कलाकार आया था शिड्डी में, उसको तो झोला भर के पैसे दिए साई ने। लोगों की किस्मत बदलने के लिए और जरूरतमंद को मालामाल करने के लिए जाने जाते हैं साई। भी कैसी बातों पर विश्वास करने लगी तापी, ऐसा कहीं होता है क्या? साईं के पास होता है, जो भी उनके पास जाता है ना उसकी तकदीर बदल जाती है। सोचिए अगर साईं हमसे खुश हो गए या हम उन्हें प्रभावित करने में सफल हो गए तो तय रहा कि वो उपहार हमें ही देंगे, और वो तोहफा बेहद बेशकीमती होगा। उठो, सूरज सर पे चढ़ाया है, अब तक ये महारानियां सो रही है। आई घोड़े बेचकर सो रही है दोनों। उठो वरना प्रतियोगिता हार जाओगी, इनाम किसी को नहीं मिलेगा। प्रतियोगिता का नाम सुनते कैसे उठ गई दोनों, बड़ी लालची है। आ गई तुम दोनों, अपना दिमाग नहीं है क्या तुम लोगों का? कितनी बार जगाया, सुबह का वक्त है, पानी कितना लगता है। तापी तुम्हें नाश्ता बनाना था, और रेणुका तुम्हें पानी भरने जाना था, लेकिन नहीं, तुम लोग तो ऐसे सो रहे थे जैसे लड़की की विदाई के बाद सोता है कोई। अरे भाईजा ने जिम्मेदारी तुम लोगों को दी थी, फिर भी उसके बावजूद वो पानी भर के लाई, सब घर का नाश्ता बनाया, और तुम लोग कहाँ थे? ताई, इन दोनों को लगा होगा मैंने सुबह सुबह टहलने भेज दूंगा, इस डर से ये दोनों कहीं गायब हो गए, आलसी कहीं के। भाई साहब, साई को मत बताइएगा ना ये सब। देखा आई, तुम दोनों को वैसी सांस मिलनी चाहिए थी जैसी मैं एक समय हुआ करती थी। क्यों भाईजा? क्या आई आप भी? ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए हम साईं को नहीं बताएंगे, लेकिन ये गलती भी आखिरी होनी चाहिए। याद करो, साईं ने कहा था घर के और बाहर के
सब कामों की जिम्मेदारियां तुम चारों पर है, और तुम चारों जो करोगे हम सिर्फ देखेंगे। हाँ रेणुका, इतने सारे लोग हैं घर में, सबके नहाने का, कपड़े धोने का, खाना बनाने का, पीने का और फिर बर्तन धोने का, सबके लिए पानी चाहिए होगा, और घर से कुएं तक कम से कम 8 से 9 बार चक्कर लगेंगे, तब जाकर पानी पूरा होगा। हे भगवान, इतनी धूप में इतना काम, काम ही करते रहेंगे तो घूमेंगे कब? पानी भरना भी कोई काम होता है क्या? काश ये काम मुझे मिला होता, लेकिन नहीं, मुझे तो चूल्हे में ही लगना है इतने लोगों का खाना बनाने के लिए, वो भी अकेले। तुम क्यों परेशान हो रही हो रेणुका? पानी लेने के लिए मैं साथ चलूंगा ना, और फिर हम दोनों किराना लेने चलेंगे। क्यों गुस्सा करती हो? मैं करूंगा ना तुम्हारी मदद। हम साई के आसपास रहते हैं, क्या पता हमें उन्हें खुश करने का मौका मिल जाए और फिर वो हमें पुरस्कार दे दे। आप आराम कीजिए, बाकी लोगों को मैं पानी भर के देता हूं।